मैं हूं नेहा और आपका स्वागत है नेहास किचन में। हम माँ लोगों को हमेशा ये होता है कि हम ऐसा क्या बनाएं जो बच्चे बहुत ही दिलचस्पी लेकर भी खाएं और उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा हो। तो इस बार मैंने ट्राई किया है स्वीट कॉर्न थाली पीठ। वैसे ये ज्वारी के आटे से बनती है, बट अगर आपके पास घर पे ज्वारी का आटा नहीं है तो आप इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो आप ये रेसिपी एक बार ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले आप ले लें एक कप स्वीट कॉर्न, आधा कप गेहूं का या ज्वारी का आटा, आधा कप चावल का आटा, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक से दो हरी मिर्च, तीन लहसुन की कलियां, आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और आप ले लें एक कप बारीक कटा हुआ प्याज, दो बड़े चम्मच दही के, नमक स्वाद के अनुसार, तीन चौथाई कप धनिया और दो चुटकी हींग के। पहले हम मिक्सर में जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और जो स्वीट कॉर्न है उसको अच्छे से पीस लेंगे। आप इसमें पानी बिल्कुल भी मत मिलाइएगा क्योंकि स्वीट कॉर्न में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। तो इसे एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन गया है। आप पेस्ट को एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लें, ये देखिए, और फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी और फिर इसमें आप डाल दें हींग। इसमें हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर बारीक कटे हुए प्याज, प्याज को आप अच्छे से बारीक काटिएगा। धनिया को भी मैंने काफ़ी बारीक चॉप करके इसमें डाला है। और फिर इसमें डाल दें काली मिर्च का पाउडर और फिर दही। आप इसमें मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपके बच्चे को पसंद है। और इसमें स्वाद के अनुसार डाल दें नमक और सबको अच्छे से मिला दें। और फिर इसमें आप डाल दें आटा। आटा को हम हाफ हाफ करके पहले डालेंगे। ये आटे की क्वांटिटी बिल्कुल डिपेंड करती है कि स्वीट कॉर्न में कितना पानी है, तो आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। और बस जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं आपको ऐसे ही इसे हाथों से मसल कर अच्छे से गूंथ लेना है। और ये देखिए आटा गूंथ के अच्छे से रेडी हो चुका है। चलिए अब बनाते हैं इसकी थाली पीठ। और आप जिसमें भी रोटियां बनाते हो, पराठा बनाते हो, आप उसमें एक अच्छा साफ कपड़ा बिछा लेना और इसमें थोड़ा सा पानी लगा दीजिएगा। जी हाँ, पानी लगाना इसलिए जरूरी है ताकि ये जो थाली पीठ है ये चिपके ना। और अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें और जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं वैसा करके, मतलब एक पेड़ा बनाकर इसे आप पहले बीच में से प्रेस करिएगा और उसके बाद इसे किनारे से फैलाते जाइएगा। ऐसा करने से आप इसको जब तवे में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा भी नहीं और आपके लिए बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। थाली पीठ आपको जितनी बड़ी बनाएं आप उतनी बड़ी बना सकते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। बस आप ये तरीका जरूर फॉलो करिएगा। तवा को रखिए आप मीडियम फ्लेम में और उसमें एक चम्मच तेल डाल दें। तेल को आप अच्छे से सभी तरफ फैला लीजिए ताकि इसमें जो थाली पीठ है वो चिपके ना। और थोड़ा सा तेल गरम होने दें। जिस कपड़े में हमने थाली पीठ बनाया है उसे आप पकड़ें और ऐसे उल्टा पलट दें। ये देखिए कितने आसानी से ये तवे पे आ गया, ना तो कहीं ये चिपका नहीं ही तो ये टूटा। और फिर आप इसे एक साइड से अच्छे से पकने दें और 5 मिनट के बाद ये देखिए एक साइड से ये पककर अच्छे से रेडी हो चुका है। तो आप इसे दूसरे साइड पलट दें और थोड़ा एक चम्मच तेल डाल दें। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी कुरकुरा होता है, बच्चे इसे झटपट से खा लेते हैं। आप इसे टिफिन में या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी बना के लेके जा सकते हैं। और ये देखिए ये दूसरे साइड से भी पक के अच्छे से रेडी हो चुका है और काफ़ी ही कुरकुरा बना है। ये देखिए कैमरे में पास लाकर आपको दिखाती हूँ। और ऐसे ही मैंने दूसरा भी थाली पीठ बना लिया है और जब इसे बनाते वक्त मैंने इसमें दो आँखें और स्माइली बना लिया है जो बच्चों को देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगता है और वो तुरंत ही खा लेते हैं। तो आप ऐसा कोई भी शेप इसमें अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर केचप के साथ भी परोस सकते हैं। तो स्वीट कॉर्न की थाली पीठ की ये रेसिपी आपके घर में सबको कैसी लगी ये मुझे कॉमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।